21वीं सदी का प्रारंभ गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને લિયા સંકલ્પ, પાણી કી કમી કો મિટાના ઓર ગુજરાત કો સમૃદ્ધ બનાના ઓર દિયા ગુજરાત કો વોટર સિક્યોરિટી કા એક વિઝન, પૂરી કી બહુ પ્રતીક્ષિત સરદાર સરોવર પરિયોજના, પાણી કી સમસ્યા કો હલ કરને કે લિયે શરૂ કી સુજલામ સુફલામ યોજના, विश्व का सबसे विस्तृत कनाल नेटवर्क बनाया, एकली सुजलाम सुफलाम कनाल, 21 नदियों ने जोड़ा इन आवे, दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को, लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण, भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा, कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र, गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक, सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना, मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया, उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल, इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढोने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त, और स्थापित किया वास्मो वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर गांव में बनाया पानी समिति, महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। गांवो गांव आ बहनों ने पानी समितियों बनी अने आजे 5 वर्ष थया पानी नो आपके आपको वहीवट हमारी माताओं बहनों से। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार, टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद, और अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तिहाई देश में होती है कम बरसात, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा ना आए, इसके लिए दिया एक विजन, वाटर सिक्योर नेशन। सबसे पहले शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से मिली मुक्ति, माँ गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामि गंगे परियोजना, माँ गंगा हुई निर्मल और अविरल, जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ति अभियान, पानी के एकीकृत प्रबंधन और दीर्घकालीन सुनिश्चितता के लिए बना जल शक्ति मंत्रालय, शुरू की अटल भूजल योजना, लेकिन अभी और बढ़ना था इस विजन की गति और स्तर। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पहुंचता था नल से पेयजल। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने गांव के लोगों के हाथ में पानी की व्यवस्था खुद करने की ताकत दी। जल की शुद्धता की जांच के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण, और 25 महीनों के अंदर ही देश के 5 करोड़ घरों तक पहुंचा है नल से स्वच्छ जल। स्कूल और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचा है नल से जल। मेसन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, ऑपरेटर, फिटर, ये मिशन ला रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार। जल जीवन मिशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर हर गांव, हर घर की पेयजल स्थिति और वहां दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलब्ध है। देश बढ़ा जल सुरक्षा की ओर, और 2024 तक पहुंचेगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।